गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे इस लॉकडाउन में। आज से आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। आज मैं क्लास 2 का कंप्यूटर का पहला चैप्टर लेने जा रहा हूँ, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से आप लोगों को मैं आज परिचय कराऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर कह रहा है आई एम यूज्ड एट मेनी प्लेसेस लाइक स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड शॉप्स। ये पिक्चर कंप्यूटर का है। कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं बहुत सारे जगहों पे यूज होता हूँ, स्कूलों में, घरों में, ऑफिसों में और अस्पतालों में, बैंकों में और दुकानों पे। आपने भी कभी दुकान पे भी देखा होगा, आप कभी अपने पापा के साथ मॉल गए होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे कंप्यूटर का यूज करते हुए। आप जब कभी कोई सामान लेते हैं तो उसका बिल आपको कंप्यूटर से ही मिलता है। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लाइक जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन एंड मेनी अदर्स। जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उसी की तरह कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वी यूज इट टू परफॉर्म मेनी टास्क। हम इसका उपयोग कई कार्य करने, गेम खेलने में और मूवी देखने के लिए करते हैं। और भी कंप्यूटर का बहुत सारा यूज है, जैसे इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। नीचे 3 पिक्चर दिया हुआ है, टीवी है, स्मार्टफोन है, वॉशिंग मशीन है, ये तीनों भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डू यू नो क्या आप जानते हैं? द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। क्या आप जानते हैं जो ये कंप्यूटर वर्ड है, ये कंप्यूट से आया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसका अर्थ है गणना करना और वर्कआउट समथिंग, कुछ काम करने के लिए। इनिशियली कंप्यूटर्स वर यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। शुरू में कंप्यूटर का इस्तेमाल, यूज गणना करने के लिए किया जाता था, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। यहाँ पर एक साइड कंप्यूटर का पिक्चर दिया हुआ है और एक साइड ह्यूमंस यानी हम और आप। कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होता है। डू यू नो हाउ? आप जानते हैं कैसे? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसे देखते हैं। आई कैन वर्क वेरी फास्ट, आई डू नॉट नीड रेस्ट। कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से काम कर सकता हूँ। आई डू नॉट नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर बोल रहा है। दूसरी तरफ ह्यूमंस है, उसे वो कह रहा है आई नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। इसका मतलब कंप्यूटर जो है हमारा सेव टाइम, यानी टाइम बचाता है, यानी कंप्यूटर से हम कोई काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। आई कैन रिमेम्बर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मैं बहुत सारे प्रायः बहुत सारे चीज़ को याद रख सकता हूँ। जबकि इधर ह्यूमंस बोल रहा है आई फॉरगेट मैनी थिंग्स, मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर का ह्यूमन से ज़्यादा मेमोरी एंड स्टोरेज पावर है। आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स, यहाँ कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ, जबकि इधर ह्यूमन बोल रहा है आई मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियाँ करता हूँ, यानी कि कंप्यूटर का एक्यूरेसी जो है, यानी कि शुद्धता, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। हम लोग गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी गलती
नहीं कर सकता है। अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं उनको पढ़ेंगे। द कंप्यूटर्स कम्स इन वेरियस टाइप्स एंड साइज। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के और साइज में आते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आओ इस पिक्चर को देखते हैं। दिस इज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसका मतलब ये कंप्यूटर अक्सर तुम ऑफिस में, स्कूल वगैरह में देख सकते हो या किसी मॉल वगैरह में। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, यानी कि इस कंप्यूटर को कहीं भी हम लेकर नहीं जा सकते हैं। यहाँ है देखो, ये है लैपटॉप कंप्यूटर। दिस से लैपटॉप कंप्यूटर, यह एक लैपटॉप कंप्यूटर है, यानी जो तुम लोग लैब करते हो जिस कंप्यूटर से, वो लैपटॉप कंप्यूटर है। इसे हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ है टैबलेट, ये भी एक कंप्यूटर है जो मोबाइल से थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है, इसे भी हम कहीं लेकर जा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन है जो आजकल हर घरों में है, इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। दीज आर टैबलेट एंड स्मार्टफोन कंप्यूटर्स। ये टैबलेट और स्मार्टफोन कंप्यूटर्स हैं। डू यू नो द अबव कंप्यूटर्स आर नोन एज पीसीज। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। आप जानते हैं जो ऊपर वाला ये कंप्यूटर का दिया है पिक्चर, ये इसको पीसी भी बोलते हैं, यानी ये पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये पर्सनल कंप्यूटर इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग अपने अपने किताब को लेकर इस वीडियो को देखें और समझें। थैंक यू।